मेहनत करने वाले को मत सिखाओ क्या सुकून होता है। चुनौतियों से वो डरते नहीं जिनमें जीत का जुनून होता है। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे संघर्ष के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आपको ये लगेगा कि इनके सामने तो मेरे जीवन का छोटा सा संघर्ष कठिनाई कोई मायने नहीं रखता। जैक मा बचपन में ये 4थी क्लास में 2 बार फेल हुए। जब 8वीं क्लास में पहुँचे तो 3 बार फेल हुए। जैसे तैसे पढ़ाई पूरी करके जॉब के लिए इंटरव्यू देना स्टार्ट किए तो लगातार 30 इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिए गए। इन्होंने KFC में भी अप्लाई किया जिसमें 24 में से 23 लोगों का सिलेक्शन हो गया और सिर्फ इनका नहीं हुआ। पुलिस ट्रेनिंग में 5 में से 4 लोगों का सिलेक्शन हुआ पर इनका नहीं हो पाया। लेकिन इनके दिल में ऐसा जुनून था कि ये फेलियर के इतने सारे रिकॉर्ड तोड़ने के बाद भी हार नहीं माने और फिर ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा की शुरुआत किए, जिसके वजह से आज इनका नाम एशिया के सबसे अमीर आदमियों में जोड़ा जाता है। मैं ईमानदारी से कहूँ, अगर हमें इतने सारे फेलियर्स मिलते तो हम सीधा अपनी किस्मत पर शक करते कि मैं तो मेहनत बहुत कर रहा हूँ पर किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही है। लेकिन याद रखना, खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इतने सारे फेलियर झेलने के बाद भी इस मुकाम पर पहुँच पाते? बिल्कुल पहुँच जाते, लेकिन लक्ष्य को पाने के लिए दिल में ज़िद और जुनून होना चाहिए, क्योंकि सपना तो हर कोई देखता है सिर्फ दूसरों को बताने के लिए। इसीलिए अगर आप अपना सपना सिर्फ दूसरों को बताने के लिए नहीं बल्कि उसे पूरा करके दिखाने पर विश्वास करते हो तो आपके सामने लाख मुश्किलें आ जाएं लेकिन पीछे नहीं हटोगे, क्योंकि आपको सफलता की मंजिल पर पहुंचने की एक तलब लग जाती है कि मुझे हर हाल में वहां तक पहुंचना है। जैसे प्यासा पानी के बगैर नहीं रुक सकता, ठीक उसी तरह आप अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले नहीं रुक सकोगे। इस दुनिया में जितने भी लोग कुछ बड़ा हासिल किए हैं जिन्हें आज दुनिया जानती है, अगर आप उनकी बायोग्राफी उठाकर देखोगे तो उसमें आपको यही दिखेगा कि उन लोगों ने अपनी लाइफ में कितना ज़्यादा संघर्ष किया, कितने मुसीबतों का और कितने फेलियर्स का सामना किया, लेकिन फिर भी नहीं रुके। तब जाकर उन्हें आज दुनिया जानती है, क्योंकि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। इसीलिए दोस्त, मैं यही कहता हूं कि कठिनाइयां, फेलियर्स, ये सब कॉमन है, सबके लाइफ में आती है। और अगर हम ये सोचें कि बिना कठिनाइयों का सामना किए सफल हो जाएंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। इसीलिए ये बात याद रखना, मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। आँखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं हैं, मंजिल आवाज़ देगी, सफ़र जारी रखो। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, मुझे उम्मीद है आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहोगे। धन्यवाद।